नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अप्रैल 2023 में आ चुकी है बंपर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल में निकली सरकारी नौकरियों के बारे में जो कि बंपर भर्तियां हैं। दोस्तों रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट से बंपर भर्तियां आ चुकी है। तो 5 नई सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे इन फॉर्म को से आपको भरना होगा। तो दोस्तों अप्रैल में 2023 में जो भर्तियां निकाली गई है इनके लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र होंगे, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको देंगे सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2023 में, तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे इस बटन को दबा दें, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2023 की बंपर भर्तियों के बारे में, यानी कि सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुके हैं। कक्षा 8वीं पास से लेकर के 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में इनमें से कोई भी एक योग्यता है तो आवेदन जरूर कीजिएगा। ऑल इंडिया की ये भर्ती निकाली जा रही है। भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल लड़के लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन कीजिएगा। चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। यहां पर आपको सबसे पहले सरकारी नौकरी की जानकारी दी जाती है, तो वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और अप्लाई जरूर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं sarkaritodaynews.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और नंबर वन जो वैकेंसी निकाली जा रही है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है पोस्ट ऑफिस की भर्ती। जी हां दोस्तों, इस साल 2023 की इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो भी आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर जो पद जारी किए गए मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं और मेल गार्ड के पद हैं। कुल मिलाकर के पदों की बात की जाए तो लगभग 1,00,000 पदों पर भर्ती है। दोस्तों आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो केवल मेरिट के आधार पर है, यानी कि ना तो आपकी परीक्षा होगी ना ही कोई इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से लेकर के 81,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है। वहीं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 45 साल है। तो दोस्तों अगर आपकी एज है 18 से 45 तो अप्लाई कीजिएगा, आयु सीमा में छूट भी है सरकार के नियम अनुसार। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, बाकी SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है, और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, आप चाहे किसी भी माध्यम से पेमेंट करा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है, तो इनमें से अगर आपके पास में कोई भी एक योग्यता है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 10 अप्रैल से 8 मई तक चलेंगी। तो दोस्तों 8 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर की जो भर्ती है वो आपके सामने है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप देख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की तरफ से साल 2023 की बंपर वैकेंसी आ चुकी है 2,859 पदों पर। जी हां दोस्तों, यहां पर जो पद है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट SSA के पद हैं और स्टेनोग्राफर के पद हैं। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की यह भर्ती है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, लिखित परीक्षा होगी आपकी, प्री और मेन दो एग्जाम होंगे, उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो 25,000 से 92,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही है, और एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 27 साल है, आयु सीमा में छूट भी है सरकार के नियम अनुसार। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर सभी कैंडिडेट्स के लिए केवल 700 रुपए फीस रखी गई है, और यहां पर SC ST फीमेल PWD के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, आप चाहे किसी भी माध्यम से करा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर बैचलर डिग्री SSA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनो के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके आवेदन जो है 27 मार्च से 26 अप्रैल तक चलेंगे, 26 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है, यहां से अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप दोस्तों नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों, जो कि जारी हो चुका है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से। दोस्तों यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, क्लर्क के पद हैं, टीचर असिस्टेंट के पद हैं, नर्स के हैं, लाइब्रेरियन के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, केस वर्कर के हैं, हेल्पर के हैं, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के पद हैं। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीपल है, ऑल इंडिया की जॉब है, एज लिमिट जो है 18 से 45 साल यहां पर रखी गई है, और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है केवल इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। सैलरी आपको 5,200 से 20,200
रुपए महीना मिलेगी। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 8वीं पास 10वीं पास 12वीं पास और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है। इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, 15 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो 15 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना होगा। यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया नोटिफिकेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है जल विभाग की तरफ से, यानी कि दोस्तों नेशनल वाटर डिपार्टमेंट एजेंसी NWDA की तरफ से इस साल 2023 की आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर ये जो भर्ती है अलग अलग पदों पर है। जूनियर इंजीनियर के पद हैं, ड्राफ्ट्समैन के पद हैं, जूनियर अकाउंट ऑफिसर के हैं, अपर डिवीजन क्लर्क UDC के हैं, स्टेनोग्राफ के हैं और यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क के पद हैं LDC के। ठीक है, आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी आपको 19,900 से 1,12,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की रहेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 30 साल है और ICU में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल OBC के लिए 890 है, SC ST Women EWS के लिए 500 रुपए है। पेमेंट आप सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन कराना होगा। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल 10वीं पास से लेकर के ITI 12th और डिप्लोमा और डिग्री पास के लिए वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है 40 है। आवेदन जो है इसके 18 मार्च से 17 अप्रैल तक चलेंगे। तो 17 अप्रैल 2023 की लास्ट डेट है, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों, पूरी भर्ती की जानकारी दे रखी है, 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है कृषि विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आई नई भर्ती के बारे में, जो कि 1041 पदों पर बड़ी भर्ती है। दोस्तों यहां पर जो वैकेंसी है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की वैकेंसी है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, क्लर्क की वैकेंसी है। इस प्रकार यहां पर पद जारी किए गए हैं। ठीक है, लगभग 1100 पद है। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी कि बिना परीक्षा के आपको ये सरकारी नौकरी मिल सकती है। जस्ट आपको अप्लाई करना है। सैलरी आपको 22,500 से 30,000 रुपए महीना मिलेगी और यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 37 साल है। आयु सीमा में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और बिहार की जॉब लोकेशन है। और इसके आवेदन जो है 13 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 15 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो 15 अप्रैल से पहले अप्लाई कीजिएगा। यहां से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ सेकंड में आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। पूरी भर्ती की जानकारी यहां पर दे रखी है। आप देखते हैं कृषि विभाग की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो संपूर्ण जानकारी यहां पर है। कौन कौन से पदों पर भर्ती है वो आप देखते हैं। 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लगभग शाम के 5 बजे तक। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और नई भर्ती की ओर जो निकाली जा रही है रोडवेज की तरफ से। दोस्तों चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU रोडवेज की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। बस कंडक्टर की भर्ती है और बस ड्राइवर की भर्ती है। 171 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल लिखित परीक्षा। सैलरी यहां पर आपको मिल रही है 10,300 से 34,800 रुपए और चंडीगढ़ की जॉब लोकेशन है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 37 साल है। आयु सीमा में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 800 है, SC ST के लिए 500 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास 12वीं पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके आवेदन जो है 16 मार्च से 10 अप्रैल तक चलेंगे। यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं 10 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और बंपर भर्ती की जो निकाली जा रही है CRPF की तरफ से। जी हां दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की तरफ से इस साल 2023 की आ चुकी है महाभर्ती। कांस्टेबल के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि 9212 पदों पर भर्ती है। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। डिफेंस की जॉब है। सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से लगभग 70,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस जो रखा गया है CBT बेस्ड एग्जाम है और यहां पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इस प्रकार रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 27 साल है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल OBC के लिए 100 रुपए है, SC ST के लिए फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर 10वीं 12वीं और डिग्री पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो अप्लाई कीजिएगा। आवेदन जो है 27 मार्च से 25 अप्रैल तक चलेंगे। यहां पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है, पूरी भर्ती की जानकारी यहां पर दी गई है। वहीं दोस्तों एक और बंपर भर्ती आ चुकी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है मेल और फीमेल के लिए। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 5,000 पदों पर यह भर्ती है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है।
एज लिमिट जो है 20 से 28 साल यहां पर रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपए है, वहीं एससी एसटी वुमेन्स के लिए 600 रुपए है, पीडब्ल्यू के लिए 400 है। पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस की पोस्ट है और स्टाइफंड आपको मिल रहा है 10,000 से 15,000 रुपए महीना आपको स्टाइफंड मिलेगा। एक साल का आपका पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का, ठीक है। बाकी आवेदन जो है 3 अप्रैल तक चलेंगे। यहां से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बंपर भर्तियों की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।